गांव में अशोक नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। अशोक अपने 20 वर्षीय पुत्र चंदन के साथ गांव के चौराहे पर मोमोज का ठेला लगाकर बेचता था। एक दिन की बात है, अशोक चंदन के साथ काम पर जा रहा था कि तभी उसकी 17 वर्षीय पुत्री अनीता उससे बोली, पिताजी मुझे कुकिंग का कोर्स करना है और उसके लिए अलग से फीस जमा करनी है। अब ये कौन सा नया चोचला है? पिताजी कुकिंग मतलब खाना बनाने का कोर्स। हमारे जमाने में ये बेकार की बातें नहीं हुआ करती थी। अरे तुम्हारी माँ इतना अच्छा खाना बनाती है, फिर तुम्हें ये बेकार का कोर्स करने की क्या जरूरत है? मैं फालतू में पैसे नहीं खर्च कर सकता। अशोक की बात सुनकर उसकी पत्नी बिंदु उससे कहती है, आपका जमाना कुछ और था जी, अब जमाना बदल गया है, बिटिया का दिल मत तोड़ो। तो बिटिया को रेस्टोरेंट में जाकर खाना बनाना है? अरे अपनी ससुराल में चूल्हा चौकी ही करनी है, वैसे भी इस वर्ष मैं इसकी पढ़ाई छुड़वा दूंगा। इतना कहकर अशोक अपने पुत्र चंदन के साथ गांव के चौराहे पर मोमोज बेचने चला गया। अशोक चौराहे पर पहुंचा ही था कि तभी वहां पर गांव का मुखिया आ गया। और सुनाओ अशोक, क्या हाल चाल है? ईश्वर की कृपा है मुखिया जी, तुम्हारा बेटा चंदन अब तो काफी बड़ा हो गया है, अब तुम्हें इसके विवाह की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। वैसे भी अब तुम्हारा काम में हाथ बटाने लगा है। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि पहले मैं अपनी पुत्री अनीता का विवाह कर दूं। अनीता तो अभी केवल 17 वर्ष की है अशोक, सबसे पहले तो तुम्हें उसे स्कूल से हटाना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाने लिखाने से कोई फायदा नहीं होता है। अगर लड़कियां पढ़ लिख कर कुछ बन भी जाए तो वो पिता का सहारा नहीं बल्कि अपने पति का सहारा बनती है। पिता तो बेचारा उनके विवाह तले कर्ज में दब जाता है और बेटे हमेशा माता पिता की सेवा करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी, आज मैं अपनी पत्नी से यही बात कह रहा था कि मैं कल ही अनीता को स्कूल से हटवा दूंगा। अगले दिन अनीता स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी अशोक अनीता से कहता है, तुम्हें आज से स्कूल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है अनीता, अब तुम घर पर चूल्हा चौका संभालो। अशोक की बात सुनकर बिंदु क्रोधित हो जाती है, ये कैसी जाहिलों जैसी बातें कर रहे हैं आप? जाहिलों जैसी बातें नहीं कर रहा, वैसे भी कल अनीता की शादी हो जाएगी, भला इसके पढ़ने लिखने से हमें क्या फायदा होगा? आपने हमेशा अनीता से ज्यादा चंदन को महत्व दिया है, आप चंदन के प्यार में इतना खो गए हैं कि आपको चंदन में कोई बुराई नजर नहीं आती। कभी पूछा है आपने कि ये आधी रात को घर पर क्यों आता है? आखिर कहाँ जाता है ये, क्या करता है? चंदन लड़का है बिंदु, और लड़के शाम के बाद घर पर नहीं बैठते बल्कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं। महीने में 10 दिन ही आपके साथ काम पर जाता है और बाकी के 20 दिन सिवाय आवारा गर्दी के कुछ नहीं करता, पढ़ाई लिखाई तो कभी चंदन के दिमाग में घुसी ही नहीं। अपनी पत्नी की बात सुनकर अशोक पैर पटकता हुआ चंदन के साथ गांव के चौराहे पर ठेला लेकर चला गया और गुस्से में चंदन से कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ बहुत जिद्दी है, वो अनीता की पढ़ाई किसी भी कीमत पर नहीं छुड़वाएंगी। मेरी समझ में नहीं आता पिताजी कि आखिर माँ को मुझसे क्या दुश्मनी है, वो हमेशा मेरे खिलाफ आपको भड़काती रहती है। दिल छोटा मत करो, वो अभी जानती नहीं है ना कि पुत्र ही माता पिता का सहारा बनते हैं, पुत्रियां तो पराई हो जाती हैं। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन अशोक चौराहे पर ठेला लेकर पहुंचा ही था कि तभी गांव का पंकज नाम का दबंग व्यक्ति अशोक के पास आकर कहता है, तुम्हें जमींदार साहब ने याद किया है अशोक। जमींदार साहब को मेरी क्या आवश्यकता पड़ गई? ये तो तुम उन्हीं से जाकर पूछ लेना। अशोक तुरंत जमींदार की हवेली पर पहुंच गया। जमींदार अशोक की ओर देखकर कहता है, तुम्हारा बेटा झूठ बोलकर पिछले 2 वर्षों से मुझसे पैसे ले जा रहा है, अब तक वो पूरे 10 लाख रुपए उधार ले जा चुका है। किस तरह का झूठ बोलकर? यही कि तुम्हें कैंसर है और वो तुम्हारा इलाज करवा रहा है,
कल मुझे पता चला कि वो सारे पैसे जुए में उड़ाता है। कल जब मैंने अपने पैसे मांगे तो वो गांव छोड़कर ही भाग गया। अब उसके रकम की भरपाई तुम पूरी करोगे। जमींदार साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैंने अब तक पूरे 10 लाख रुपए दिए हैं, वो भी लिखा पढ़ी से। मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत दे देता हूँ। अगर 10 दिन में मेरे 10 लाख रुपए मुझे वापस नहीं मिले तो मैं तुम्हें तुम्हारे ही घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। अशोक मुंह लटकाकर अपने घर पर आ गया और सारी घटना रोते हुए अपनी पत्नी को बताने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा बिंदु, अब मैं क्या करूं? मैं तो सड़क पर आ गया। अब मैं समझी कि चंदन रात में बैग लेकर कहां जा रहा था। वो भाग रहा था। गलती मेरी है बिंदु, तुमने सही कहा था, पुत्र के मोह में मैं अंधा हो गया था। तभी अनीता अपने पिता से बोली, पिताजी आप हिम्मत मत हारिए। चंदन भैया अगर आपका साथ छोड़कर चले गए तो क्या हुआ? मैं हूँ ना आपके साथ। लेकिन बिटिया, तुम कर भी क्या सकती हो? पिताजी, माँ ने चुपके से मुझे कुकिंग कोर्स के लिए पैसे दिए थे। मैंने एक प्रैक्टिकल करके नई डिश बनाई है। मोमोज अब पुराना व्यंजन हो चुका है। कल मैं गाँव के बाजार में आपके साथ पान वाला डोसा बेचूंगी। बस आप मुझे बाजार से पान खरीद कर दे दीजिए। लेकिन बिटिया, जमींदार ने सिर्फ 10 दिन का समय दिया है। चिंता क्यों करते हैं? हो सकता है कि बिटिया के बनाए हुए पान डोसा जादुई साबित हो। अगले दिन अशोक ने बहुत सारे पान अनीता को लाकर दे दिए। अनीता ने सारे पान बारीक बारीक पीस कर एक पतला लेप बना लिया और अपने पिता के साथ बाजार में चली गई। बाजार में अनीता ने एक बड़ी सी कढ़ाई में गर्म तेल डालकर पान का लेप डाल दिया। कुछ ही देर में वो एक चपाती जैसा बन गया और उसे डोसे का आकार देकर ऊपर से बहुत सारा मक्खन लगा दिया। कुछ ही देर में अनीता के बने हुए पान डोसे की महक चारों ओर फैल गई। तभी एक ग्राहक दौड़ता हुआ वहां पर आकर बोला, ये किस तरह का डोसा है? ये पान डोसा है। इस तरह के डोसे के बारे में तो ना मैंने कभी सुना है और ना ही कभी देखा है। एक बार जब इसे खा कर देखोगे तो इसका स्वाद जीवन भर नहीं भूल पाओगे। एक डोसा कितने का है? 250 रुपए का है। मैं अपनी मालकिन के साथ यहाँ पर आया था, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूँ। कुछ देर में वो ग्राहक एक सुंदर और सभ्य दिखने वाली महिला को वहाँ पर बुला लाया। वो सभ्य महिला अनीता से बोली, मैं पड़ोस के गांव की जमींदार की पत्नी कजरी हूँ। 3 दिन बाद मेरी बेटी की शादी एक कलेक्टर से हो रही है। मैं इस गांव में किसी रसोइये की तलाश में आई थी जो कोई नया व्यंजन बना सके, पर तुम्हारा पान डोसा देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि इससे नया व्यंजन कोई नहीं बना सकता। क्या तुम मेरे सारे बारातियों के लिए पान डोसा बनाकर तैयार कर सकती हो? हाँ हाँ, कर सकती हूँ ना, बस आप एक बार मुझे मौका देकर तो देखिए। ठीक है, अगर तुम्हारे बने हुए पान डोसे मेरे घर आए सारे बारातियों को पसंद आ गए तो फिर मैं तुम्हें इस काम के 15 लाख रुपए दूंगी। चलो मेरे साथ। अनीता अपनी माँ और पिताजी को लेकर कजरी के साथ उसके गांव में बनी हुई हवेली में चली गई और मेहनत से पान डोसे बनाने में जुट गई। 3 दिन के अंदर अनीता ने अपनी मेहनत और लगन से सारे बारातियों के लिए पान डोसे बनाकर तैयार कर लिए। एक बाराती पान डोसा खाकर चीखता हुआ कहता है, मैंने भारत के हर हिस्से में डोसे खाए हैं, मगर इससे स्वादिष्ट डोसा मैंने कभी अपने जीवन में नहीं खाया। सभी को अनीता के हाथ के बने हुए पान डोसे बहुत ही ज्यादा पसंद आए। ये देखकर कजरी खुश होते हुए अनीता से बोली, तुम बहुत ही मेहनती लड़की हो, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में होनी चाहिए। मैं तुम्हें 15 लाख रुपए देने के अलावा शहर के टॉप 5-स्टार होटल से पान डोसा का कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवाऊंगी। कजरी ने अनीता को 15 लाख रुपए पकड़ा दिए। अनीता सारे पैसे अपने पिता को दे देती है। पिताजी, इन पैसों पर आपका अधिकार है। अपनी बेटी की बात सुनकर अशोक की आंखों में आंसू आ गए। बिटिया, मैं तुझे जीवन भर बोझ समझता रहा,
मैं हमेशा समझता रहा कि बेटे ही माता पिता का सहारा बनते हैं, परंतु मैं गलत था। आज मैं समझ गया कि बुरा वक्त पड़ने पर अगर कोई काम आता है तो वो आती हैं सिर्फ बेटियाँ। अशोक सीधा जमींदार की हवेली पर जाकर पैसे देते हुए कहता है, जमींदार साहब ये लीजिए आपके 10 लाख रुपए। मैं जानता हूँ अशोक कि तुमने इतनी जल्दी 10 लाख रुपए कैसे कमाए हैं। ईश्वर तुम्हारी जैसी बिटिया हर किसी को दे। कुछ दिनों बाद अनीता को शहर के एक सबसे बड़े 5-स्टार होटल में पान डोसा बनाने का ऑर्डर मिल गया और अशोक के दिन बदल गए। अनीता अपने पिता अशोक से कहती है, पिताजी अब आपको बाजार में ठेला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम अपने झोपड़पट्टी की जगह एक बहुत अच्छा घर बनवाएंगे। मैं आपको और माँ को कभी नहीं छोड़ूंगी। अनीता की बात सुनकर उसकी माँ बिंदु अपने पति से बोली, मैं कहती थी ना कि हो सकता है बिटिया के बनाए हुए पान डोसा जादुई साबित हों। बिंदु की बात सुनकर अशोक मुस्कुराने लगा। सच भी यही था, अनीता के बनाए हुए पान डोसे अशोक के लिए जादुई साबित हुए थे। रामू अन्ना कर्नाटक से मुंबई शहर में नौकरी की तलाश में आते हैं, पर पढ़ा लिखा ना होने की वजह से उनको कोई भी नौकरी नहीं मिलती है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। खाम खा इतने बड़े शहर में आ गए हम लोग, वहीं पर कुछ काम धंधा ढूंढ लेते। दर बदर भटकने से ही हमें कुछ हासिल होगा, ये हमेशा याद रखना। आप धीरज रखिए, कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। कैसे काम मिलेगा मुझे जैसे अनपढ़ को? ये शहर पढ़े लिखे लोगों का जी, यहाँ पर मेरे जैसे अनपढ़ लोगों के लिए कोई काम नहीं है। मुझे बड़ी बेचैनी हो रही जी, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें दोबारा गांव जाना पड़ेगा। अगर कोई नौकरी नहीं मिलेगी तो हम लोग अपना ही कुछ काम शुरू कर लेंगे। पर हम लोग क्या शुरू करें? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि खुद का कोई दुकान डाल सके। तुम्हारे गहने बेचकर ही तो हम यहाँ पर आए हैं। काश मेरे भी बाप दादा के पास अच्छी खासी जमीन जायदाद होती। हे भगवान कैसी परीक्षा ले रहे हो। हम लोग एक ठेला लगाकर डोसा बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। उसमें ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं है। हाँ ये सही कहा तुमने, इस काम में ना ही पैसों की जरूरत है जी और ना ही पढ़ा लिखा होने की। चलो आज से ही शुरू करते हैं, जल्दी से श्री गणेश करके अपने व्यापार को हम बहुत आगे ले जाएंगे। रामू अन्ना और उनकी पत्नी सुनीता बाजार के कोने पर एक ठेला लगाते हैं और डोसा बनाना शुरू कर देते हैं। आ जाओ भाइयों, गर्मा गर्म डोसा खाओ। सुनीता की आवाज़ सुनकर कुछ ग्राहक इनके ठेले पर आते हैं और डोसा बनाने के लिए कहते हैं। नया ठेला लगाया है क्या आपने? हाँ हाँ आज ही लगाया है। कैसे दिया एक डोसा? आज पहला दिन है ना, इसलिए आज हम किसी से पैसे नहीं लेंगे। बस आप डोसा खाइए और बताइए कि कैसा बना है। रामू अन्ना ग्राहक को डोसा बना कर देते हैं। ग्राहक बड़े ही चाव से डोसा खाते हैं और उन्हें डोसा बहुत पसंद आता है। आपका बनाया हुआ डोसा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आपको तो किसी बड़े होटल में होना चाहिए था। जी नहीं जी, मेरे लिए ठेला काफी जी। अगर आपको मेरा डोसा अच्छा लगा तो हमेशा मेरे इधर आकर डोसा खाइए जी। आप भी खाइए और अपने बच्चे को भी खिलाइए। हमारे दुकान का डोसा जो एक बार खा लेता है ना जी, वो हमेशा ही मुस्कुराता जी। हाँ हाँ मैं तो आऊंगी ही, और साथ में अपने दोस्तों को भी लेकर आऊंगी और वो भी आपके डोसे का मजा चखेंगे। अगले दिन से रामू अन्ना के ठेले पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। रामू अन्ना का डोसा सभी ग्राहकों को पसंद आता है और सभी लोग यहाँ पर डोसा खाने के साथ साथ घर भी ले जाते हैं, जिससे रामू अन्ना की अच्छी कमाई होती है। तुमने ये अच्छा दिमाग लगाया जो मुझे डोसा बनाने के लिए कहा। अब हम लोगों को वापस गांव जाने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे गांव जाकर किसानी करनी पड़ती। पता नहीं अच्छे दिन हम कब देख पाते। हाँ और अच्छे पैसे जमा होने पर हम लोग इसी शहर में अपना खुद का घर भी खरीद सकते हैं। पता नहीं इस मनहूस के हाथों में क्या जादू है जो हमारे ग्राहक होटल का डोसा छोड़कर उसके ठेले पर जा रहे हैं। जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मनहूस मेरे सारे ग्राहकों को ले जाएगा। होटल मालिक रामू अन्ना के ठेले को बंद करवाने की तरकीब सोचने लगता है,
दूसरी तरफ रामू अन्ना के ठेले पर इतनी भीड़ लग जाती है कि रामू अन्ना का डोसा बनाने का सारा सामान खत्म हो जाता है। मुझे माफ कर दो भाइयों, अब आज मैं आपको डोसा नहीं खिला सकता, मेरा सारा सामान खत्म हो चुका जी, पर मैं कल से बहुत सारा सामान लेकर आएगा ताकि रात तक भी सामान खत्म ना हो। और आज जो भी अकेला जा रहा है जी, कल उसे सांबर और चटनी ज्यादा दूंगा, मेरा मतलब जी कि जो भी खाली हाथ जा रहा है उसे। रामू अन्ना उस दिन के कमाए हुए पैसे लेकर अपनी पत्नी के साथ घर जाने लगते हैं। अब कल से और मेहनत करना होगा, नहीं तो ग्राहक भी नाराज हो जाएंगे, बेचारे डोसा खाने के लिए आए थे और मेरे पास सामान ही नहीं था। अगर रोज रोज ग्राहक खाली हाथ चले जाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगले दिन रामू अन्ना बहुत सारा सामान लेकर आते हैं और डोसा बनाने लगते हैं। उनकी अच्छी बिक्री होता देखकर बाकी के दुकानदार उनके दुकान के सामने कूड़ा फेंकते हैं और उनके ठेले को भी नुकसान पहुंचाते हैं, पर रामू अन्ना सब ठीक कर लेते हैं। पर तभी बारिश शुरू होती है और रामू अन्ना का चूल्हा बुझ जाता है। इस बारिश ने तो परेशान ही कर दिया, दो बार चूल्हा जला चुका हूं, पर दोनों बार बुझ गए जी, कोई अपशगुन तो नहीं। रामू अन्ना बहुत कोशिश करते हैं पर फिर भी बारिश में चूल्हा नहीं जलता। वो उदास हो जाते हैं और ठेला बंद करके घर वापस आ जाते हैं। ये देखकर बाकी दुकान वाले बहुत खुश हो जाते हैं। लगता अब हमारा ठेला बंद होने वाला, इतने बारिश में तो कोयला पूरा भीग गया जी, हर बार जला रहा हूँ, हर बार कुछ न कुछ हो रहा है। अगर ठेले पर डोसा नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, हम घर से डोसा बना कर जाएंगे। अगले दिन से रामू अन्ना घर से डोसा बनाकर ले जाते हैं, पर वो रास्ते में जाते जाते ठंडे हो जाते हैं और बारिश में भीग जाने से गीले भी हो जाते हैं, इसलिए ग्राहकों को डोसा पसंद नहीं आता और सभी ग्राहक बिना डोसा खाए चले जाते हैं। ये डोसा है या पानी पूरी, पूरा पानी में भीगा हुआ है, हम ऐसा डोसा नहीं खाएंगे। इस तरह से ग्राहकों को जाता देख रामू अन्ना बहुत उदास हो जाते हैं। तभी बारिश ज्यादा होने से समंदर में पानी बढ़ जाता है और कुछ मछलियाँ और कछुए बहकर बाहर आ जाते हैं, जिसमें से एक बड़ा कछुआ पलट जाता है और सीधा होने की बहुत कोशिश करता है। रामू अन्ना बाढ़ में डूबने की परवाह किए बिना पानी में उतरते हैं और उस कछुए को सीधा करते हैं। तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। क्या आप इस बारिश को होने से रोक सकता जी? नहीं, मैं बारिश को होने से नहीं रोक सकता, पर मैं तुम्हें एक ऐसा पाउडर दे सकता हूँ जिससे तुम डोसे की छतरी बनाकर अपनी परेशानी दूर कर सकते हो। पर डोसा छतरी तो बारिश में भीग कर खराब हो जाएगी, तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? कछुआ अपने कवच से एक थैली पाउडर निकाल कर रामू अन्ना को देता है। ये लो, ये समुद्री देवता का दिया हुआ जादुई पाउडर है। जिस तरह से मेरा कवच इस पाउडर से कठोर हो जाता है, तुम्हारा डोसा वैसे ही कठोर और स्वादिष्ट हो जाएगा। रामू अन्ना कछुआ से पाउडर की थैली ले लेते हैं और घर जाकर डोसा बनाते हैं और डोसे के ऊपर वो पाउडर छिड़क देते हैं, जिससे डोसा बहुत कड़क हो जाता है। सुनीता उन डोसों को सिलकर छतरी बनाती है और उन पर लकड़ी का हैंडल लगाती है। अब रामू अन्ना डोसे की छतरी लगाकर ठेले पर जाते हैं। आओ भाइयों, आओ डोसा खाओ और छतरी गिफ्ट में पाओ जी। अरे अन्ना, ये कैसा ऑफर है आपका, जरा मुझे भी तो बताओ। मैं बताती हूँ, देखिए, अगर आप एक डोसा खाएंगे तो आपको एक डोसा छतरी मिलेगी, और आप तो देख ही रहे हो कि बारिश कितनी तेज हो रही है, डोसा खाने के बाद आपको दुकान से अलग छतरी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा ऑफर है, डोसा खाओ और बारिश से भी बचो। रामू अन्ना के एक डोसा पर एक डोसा छतरी फ्री के ऑफर के बारे में जानकर बहुत सारे ग्राहक रामू अन्ना के ठेले पर डोसा खाने के लिए आते हैं, जिससे रामू अन्ना के पास जल्दी ही बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। देखा, हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व हो गई, आज हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हाँ, हमारी प्रॉब्लम तो सुलझ गई, पर इस शहर में बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जी, जिनके पास छतरी खरीदने को पैसे नहीं, हम उनकी मदद करेंगे। अब से मैं ये तय करता हूँ जी, जहाँ कहीं भी कोई गरीब या भिखारी भूखा रहेगा, मैं उन्हें अपना डोसा मुफ्त में खिलाऊंगा और किसी को बिना छत के सोने नहीं दूंगा। रामू अन्ना और सुनीता बहुत सारी डोसा छतरी बनाते हैं और शहर के गरीब लोगों में बांट देते हैं। जल्दी ही रामू अन्ना पूरे शहर में डोसा छतरी वाले के नाम से फेमस हो जाते हैं।